हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाला है ई श्रम कार्ड के बारे में। सरकार सबको 1,000 रुपये दे रही है जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और उनके खाते में पैसे आया हुआ है, तो उनको नहीं पता कैसे चेक करेंगे कि हमारे खाते में पैसे आया हुआ है या नहीं आया है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये कार्ड आप लोग जानते हैं, सबसे पहले खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब अपना मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो खास करके मजदूर लोगों के लिए यह कार्ड बनाया गया है। तो ऐसे में जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो उसमें सरकार कुछ पैसे बहुत से लोगों के खाते में इसमें डाले थे, तो उनका ई श्रम कार्ड बना हुआ था। तो ऐसे में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके खाते में पैसे आया हुआ है और उनको नहीं पता कि उनके खाते में पैसे आया है नहीं आया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और आपको टाइप करना है भरण पोषण भत्ता। जैसे इतना लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, देख सकते हैं, भरण पोषण भत्ता। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप सामने देख सकते हैं एक नया पोर्टल आ चुका है, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। जो यहाँ पे पोर्टल है, यहाँ पे असंगठित मजदूर का जो पोर्टल है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो भी आपने ई श्रम कार्ड बनाते समय जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था, वो क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप भर देना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था, भरने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे दिया है। इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर से जितने भी आपके फैमिली में ई श्रम कार्ड बना होगा उस उन सारे लोगों का आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा कि आपके फैमिली में उनके मोबाइल उस मोबाइल नंबर से कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो उन लोग के यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोग का हमारे नंबर से जो इसमें नंबर है लिंक हुआ है, इसमें 2 लोग का नाम दिखाई दे रहा है और कितना कितना पैसा आया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो ई श्रम कार्ड बना हुआ है उसका पैसा चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा दी जानकारी यदि आपको थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सरकारी रिलेटेड योजनाओं से संबंधित हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।